हरियाणा सरकार के खनन मंत्री नैब सैनी ने आज अंबाला छावनी में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान खनन मंत्री ने पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार में कुछ लोग माइनिंग के नाम पर वसूली करते थे और उसका हिस्सा कई लोगों को जाता था। नैब सैनी ने कहा कि उन्होंने अपने राज में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार माइनिंग को शुरू करवाया, जिससे रेत और बजरी के रेट नीचे गिरे और लोग अपने सपनों के घर को पूरा कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष हो चुका है और लोगों को इस प्रकार से भरगलाने की कोशिश करता है, उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। कांग्रेस के समय के अंदर जिस तरीके से लोगों को रेत और बजरी नहीं मिलता था, इलीगल माइनिंग होती थी, सरकार का रेवेन्यू नहीं मिलता था, सरकार को लॉस होता था और जनता को भी महंगे दामों के ऊपर रेत और बजरी लेना पड़ता था, आज हमने उस माइनिंग को चला रखा है और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पैरामीटर हैं, ई टेंडरिंग के माध्यम से छोटे ब्लॉक बना करके हमने उसको चालू किया और उसके माध्यम से लोगों को भी सस्ते दामों के ऊपर रेत और बजरी मिल रहा है और सरकार को भी उससे रेवेन्यू मिल रहा है। परंतु क्योंकि इनके कार्यकाल के अंदर, कांग्रेस के समय के अंदर इलीगल माइनिंग होती थी और कुछ लोगों के जेबों के अंदर वो पैसा जाता था और आपने देखा है पिछले दिनों जो कांग्रेस के आके हैं हरियाणा प्रदेश के अशोक तंवर, उन्होंने भी आकर के नींद में चंडीगढ़ में आकर के बयान दे दिया कि इलीगल माइनिंग हो रही है। मैंने उसके ऊपर पूरा व्यू भी रखा था, मैंने कहा था कि उनकी सरकार के अंदर ईयर वाइज इतना साल इस ईयर के अंदर रेवेन्यू हुआ, फिर अगले साल इतना घाटा हो गया, अगले साल थोड़ा सा बढ़ा, फिर उससे ज़्यादा घाटा हो गया, वो पैसा किसकी जेब में जाता था? जब तो उसको ये ध्यान नहीं आया कि ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है ये पैसा किसकी जेब में जा रहा, तब तो शायद उसकी जेब में भी पैसा जा रहा होगा, इसके कारण नहीं बोलता था। परंतु आज लोगों को सस्ते दामों के ऊपर भी रेत और बजरी मिल रहा है और हमने पैरामीटर बना करके ई टेंडरिंग के माध्यम से हमने माइनिंग चला रखी है छोटे ब्लॉक बना करके और उसके बावजूद अगर कहीं इलीगल माइनिंग होती है हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और लोगों को भी सस्ते दामों के ऊपर आज रेत और बजरी मिल रही है।